हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाउ आर यू ऑल? आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू, एंड आई वेलकम यू इन दिस सेशन। बेटा, सभी तक मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है ना? यस। ओके, सो आज के सेशन में हम इंग्लिश में चैप्टर फोर्थ का वोकैबुलरी पार्ट पढ़ेंगे। ओके मैम, एंड वोकैबुलरी जंक्शन में वी विल लर्न अबाउट द आर्चेक वर्ड्स। आर्चेक वर्ड्स मींस होते हैं ओल्ड वर्ड्स। ओके, आपने देखा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कई सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे, मतलब पहले के वर्ड्स और आज के वर्ड्स। So, पहले उनकी स्पेलिंग कुछ और थी, लेकिन जैसे जैसे डेवलप होता गया लैंग्वेज में, कुछ इम्प्रूवमेंट्स आते रहे। सो कई सारी स्पेलिंग में उसके लेटर्स को काट कर उसको नए तरीके से बना दिया जाता है, जैसे कि विटामिन की देखें, है ना? ऐसे ही हम और भी कई सारे ओल्ड वर्ड्स देखेंगे जिनको आज नए तरीके से बोला जाता है। ओके, understood? Yes, ma'am. Yes, so ma'am. I'm going to share a book. अभी हम कई सारे आर्चेक वर्ड्स पढ़ेंगे। बेटा, आप सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी होगी। Yes, ma'am. Okay. अभी तक किसी भी एक्सरसाइजेस में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो, सो यू कैन आस्क टू मी, यस और नो? नो मैम। सो लेट्स बिगिन। नो मैम। ओके बेटा, सो हम शुरू करते हैं। रीड दिस लाइंस फ्रॉम द पोयम। सेड द डक, एज आई सैट ऑन द रॉक्स, आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली। लुक केयरफुली इन दिस लाइन। सेड द डक एज आई सैट ऑन द रॉक। S-A-T-E, sat, मतलब S-A-T, sat, जिसको हम बोलते हैं बैठा, है ना? It is the second form of the verb sit. Sit का second form है sat. और modern English में हम देखते हैं S-A-T, sat लिखा होता है, है ना? But इसका old form है S-A-T-E, sat. Okay? Yes, ma'am. मॉडर्न में क्या हुआ, इसको ईस को यहाँ से रिमूव कर दिया गया एंड स्पेलिंग आपका यही बचा एस ए टी सेट। सो एज यू मस्ट हैव फाउंड आउट फ्रॉम द ग्लोसरी, मतलब आपने ग्लोसरी मींस वोकैबुलरी में देखा होगा कि ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, है ना? इट इज आर्चेक फॉर्म ऑफ द वर्ड सेट। तो ऐसे वर्ड्स को, ओल्ड वर्ड्स जो होते हैं, उनको हम आर्चेक फॉर्म ऑफ द वर्ड्स बोलते हैं। ओके, आर्चेक वर्ड्स हैव गॉन आउट। लुक केयरफुली, आर्चेक वर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव गॉन आउट ऑफ यूज। दैट हैव गॉन आउट ऑफ यूज मींस जो यूज से बाहर हो गए, मींस जिसका यूज अब हम नहीं करते, उसके न्यू फॉर्म का यूज करते हैं। आपने देखा होगा ना, मॉडर्न एज में जैसे जैसे हमारा मेंटल ग्रोथ होता है, हम कई सारे न्यू इन्वेंशंस करते हैं और जो पुरानी चीजें होती हैं उनकी जगह पे उसको हम एक तरीके से रूपांतर करके नई चीजें बना के उसको हम यूज करते हैं, है ना? कई सारे फैसिलिटीज नई है। यस मैम। ऐसे ही आर्चेक वर्ड्स भी ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी आउट ऑफ यूज हो चुके हैं और उनकी जगह पे उसका हम नया रूप यूज करते हैं। ओके, yes ma'am. So let's look some more words, more archaic words. अब देखिए यहाँ पे ague, a g u e u e, ague. It is the modern old words and का modern word इसका means क्या होगा? An illness. Means ague old name है and modern time में इसको हम illness कहेंगे. It is the condition of sick, बीमारी की अवस्था, illness. Okay, बीमारी. Understood? अलाइनमेंट इज फूड। मॉडर्न मीन इसका क्या है? अलाइनमेंट का मॉडर्न फॉर्म है फूड। एपोथेकरी इज केमिस्ट। मॉडर्न मीन इसको हम केमिस्ट, जो कि केमिकल यूज करके जो मेडिसिन बनाते हैं, ओके, उनको केमिस्ट बोलते हैं। बैन
बैन का मॉडर्न फॉर्म है पॉइजन. पॉइजन मीन्स जहर. जहर जहर. बिहोल्ड एंड बिहोल्ड का मॉडर्न फॉर्म है ऑब्जर्व. द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द वर्ड बिहोल्ड इज ऑब्जर्व. ऑब्जर्व मीन्स प्राची. ऑब्जर्व मीन्स निरीक्षण करना. निरीक्षण करना, ध्यान से देखना. नेक्स्ट आपका बी टाइम. बी टाइम लोग कहते हैं ना, बी टाइम, यू शुड बी टाइम, समय से के पाबंद बनो. सो बी टाइम का मॉडर्न रूप है अर्ली, मतलब आरंभिक. ओके यस मैम. बिलो. बिलो अ लार्ज सी वेव. बिलो इज कॉल्ड अ लार्ज सी वेव, मतलब एक बड़ी समुद्री लहरों को हम बोलते हैं क्या. विलो. विलो. अंडरस्टूड. यस मैम. कैम. कैम लोपर्ड. कैम लोपर्ड मीन्स. कैम लोपर्ड मीन्स जिराफ. जिराफ को बोलते हैं. कैम लोपर्ड. नेक्स्ट प्राइम स्टोन. कट पर्स. कट पर्स इज कॉल्ड अ पिक. कट पर्स. देखिए नाम से, नेम से क्लियर है. कट पर्स, पर्स को काटने वाला. मीन्स कह सकते हैं इसको हम अ पिक पॉकेट. जेब कतरे लोग जो होते हैं, जो चलते फिरते लोगों के, मतलब आप जा नहीं पाएंगे, पॉकेट कट करते कर लेते हैं, है ना. नेक्स्ट आपका है डिस्कवर. डिस्कवर होता है डाइवल्स अ सीक्रेट. डाइवल्स मीन्स होता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना, बताना किसी सीक्रेट, किसी छिपे हुई चीज को एक्सप्रेस करना, वो होता है डिस्कवर. मीन्स बाहर आना. कवर. अब जब आप कोई चीज डिस्कवर करते हैं तो आपको नई चीज पता चलती है ना. डिस्कवरी जब करते हैं तो हमें हमेशा हमें न्यू चीज, हिडन चीज पता चलती है ना. यस मैम. उसको हम कहते हैं. यस मैम. नेक्स्ट एरा. एरा मीन्स बिफोर. मीन्स पहले की बात. बिफोर. एंड फज. फज मीन्स नॉनसेंस, मीन्स बकवास वाली बात. फज. नेक्स्ट हाइदर. हाइदर मीन्स हियर. मॉडर्न फॉर्म है इसका हियर, मतलब यहाँ. अब देखिए इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस का मॉडर्न फॉर्म है न्यूज. न्यूज. क्यों ऐसा है? क्योंकि न्यूज को पढ़ के हमें कई सारे इंटेलिजेंस मिलती है, नॉलेज मिलता है ना. यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट नैव. नैव इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन. अ डिसऑनेस्ट पर्सन मीन्स एक अवज्ञाकारी व्यक्ति, मीन्स जो किसी की आज्ञा का उल्लंघन करता हो, डिसऑनेस्ट हो. सॉरी, कह सकते हैं आप ईमानदार ना हो, बेईमान हो, है ना. डिसऑनेस्ट. नेक्स्ट मैज. अ लर्न पर्सन और मैजिशियन. मैज मीन्स होता है अ मैजिशियन. इट इज अ मॉडर्न फॉर्म. मैजिशियन जादूगर, पढ़ा लिखा या विद्वान पुरुष. ओके. नेक्स्ट मीट. मीट. यस मैम. मीट का मॉडर्न फॉर्म है सुटेबल. फिटिंग. सुटेबल मतलब कह सकते हैं उपयुक्त. उपयुक्त होना, अच्छा होना. नेक्स्ट मिथिंग. मिथिंग सीम्स टू मी, मतलब अपने जैसा दिखना. मी थिंक्स मतलब मैं सोचती हूँ या मेरे जैसा. इट सीम्स टू मी, लाइक मी. अंडरस्टूड? यस मैम. नाय. नाय इज नियर. मॉडर्न फॉर्म ऑफ नाय इज नियर. नियर. प्रीति. प्रीति मीन्स प्लीज. इट इज अ रिक्वेस्ट. ओके, रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज प्लीज वर्ड यूज करते हैं. नेक्स्ट आपका टाइगर और यंडर. आपने यंडर तो पढ़ा इसी बुक में, अपनी अपने पोएम में भी यंडर वर्ड पढ़ा था आपने, है ना. यंडर मीन्स हियर. देयर. यहाँ, वहाँ. हाइदर मीन्स हियर. अभी हमने हाइदर पढ़ा ना. हाइदर मीन्स हियर एंड यंडर मीन्स देयर, वहाँ. देयर. दिस मीन्स इट इज. इट इज. ओके. एंड वेंस. बेटा किसके यहाँ से इतनी आवाज आ रही है? यस मैम. गौरव बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है. बेटा गौरव आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? ओके, सभी तक मेरी आवाज तो प्रॉपर जा रही है ना कि भनक के जा रही है?
मैम सही आ रही है, मैम प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर आ रही है, ठीक है मैम. नेक्स्ट वेंस, वेंस मींस फ्रॉम वेयर, जहां से. एंड वेयर फॉर, वेयर फॉर इज व्हाई, व्हाई को बोलते हैं वेयर फॉर. ओके, ये ओल्ड नेम है. नेक्स्ट ई और डी, ई और डी मींस यू. ओके यस मैम. इंटरेस्टेड लगा होगा ये टॉपिक है ना. यस मैम. यस मैम. Now we will solve the exercises. Replace the, sorry, underline the object words in these sentences. Look at the first line. We have received intelligence that the fuzz has been spiked. Find the object words. Who will tell me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ratnesh, tell. I'm fuzz. Fudge, okay. Abhishek? Ma'am, intelligence and fudge. Intelligence and fudge. Okay. Abhi, humne intelligence means kya hota hai? What is the modern name of intelligence? News. News. Okay. Next up ka hai. It seems not meat nor wholesome to my place. Yes, ma'am. Muskan, you tell. Ma'am, meat. Meat. What is the modern meat. Name of meat? Ma'am, suitable. Suitable. Good. Khushi, what do you think? Meat. Meat. Okay. Prachi? Prachi, you tell. Abhishek? Ma'am? Okay, meat.